आइसोलेट एंड क्रिएट का डे वन है, तो आइए आज हम कुछ बनाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे पास में एक शर्ट के अंदर पैकिंग वाला एक कार्डबोर्ड है जो कि बहुत फ्लेक्सिबल है, या फिर आपके पास इस तरह का कोई बॉक्स होगा तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, या आपके पास में कोई पुरानी आपके पास में कोई इन्विटेशन कार्ड्स हो तो उसका भी आप यूज कर सकते हो। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक छोटे से फ्लावर बनाने से। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूंगा और फिर उस सर्कल को हम कट करते हैं। सीजर्स का यूज करते वक्त बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई हर्ट हो। इसके बाद इस सर्कल के सेंटर तक मैं एक स्लिट बनाऊंगा और उस स्लिट को इस तरह से ओवरलैप करके हम चिपका देंगे। तो आइए, हमारे पास एक स्ट्रिप है जो कि आप एक जो 1 फीट की जो स्केल होती है उस साइज की एक स्ट्रिप है, उस स्ट्रिप को हम इस कॉर्नर से उसको इस तरह से फोल्ड करके उसको इस तरह से उसका रोल बनाएंगे। उस रोल को बहुत ज़्यादा टाइट बनाना चाहिए ताकि वो रोल छूटे नहीं और वो हमारी जो स्टिक है वो एकदम हार्ड बन जाए, और उसको हम फेविकॉल लगा कर यहाँ पर अच्छे से चिपका देंगे। आप कोई भी गम यूज़ कर सकते हो। अब देखते हैं हम इस सर्कल को जो हमने कट किया था उसको इस तरह से फेविकॉल लगाकर उसको इस तरह से ओवरलैप करेंगे और उसको कुछ देर के लिए सूखने के लिए रख देंगे ताकि वो पक्का हो जाए। हमने ये जो रोल बनाया था उसमें भी हम यहाँ पर सीजर्स को इस तरह से उसके अंदर डालकर इसमें भी स्लिट्स बनाएंगे। 3 या 4 स्लिट्स बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। पेरेंट्स, आप उसको बच्चों को आप हेल्प करोगे तो बच्चों को भी खुशी होगी और बच्चों को भी आसानी होगी। इस तरह से उन स्लिट्स को बनाने के बाद में उसको खोल लीजिए और फिर उसको यहाँ पर फेविकॉल अप्लाई कीजिए, और फेविकॉल को बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए। साथ में एक कपड़ा ज़रूर रखिएगा, आपके फिंगर्स को जो फेविकॉल लगता है उसको पोंछना चाहिए बार बार। और फिर हमने जो कोन बनाया था पेपर का उसको इस तरह से बैक साइड से चिपका देना। इस तरह से रोल और इस कोन को चिपकाने के बाद आइए अब हम इस कार्डबोर्ड से कुछ पेटल्स बनाते हैं। सीजर्स का यूज करते वक्त बच्चों ध्यान दीजिए कि आपके फिंगर्स को लगना नहीं चाहिए। हमने इसको फोल्ड कर दिया है ताकि हमें एक साथ 2 पेटल्स मिले, और मैं अभी इस पर बनाने जा रहा हूं पेटल का शेप। आप चाहो तो एक सिंगल सिंगल पेटल भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक साथ 2 ही पेटल बनाएं। इस तरह से हमें 8 पेटल्स बनाने की है। यह जो कार्डबोर्ड है, यह शर्ट के अंदर का जो पैकिंग का जो कार्डबोर्ड होता है वो है। आप देख रहे हो कि हमारे पास में 8 लीव्स अभी रेडी है। अभी हम इस लीव्स को ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए, ताकि वो बहुत अट्रैक्टिव दिखे, हम इसको अभी कलर करेंगे। अभी मैंने यहाँ पर एक येलो कलर को अप्लाई किया है। आपके पास में अगर पोस्टर कलर या वाटर कलर ना हो तो आप ऑयल पेस्टल या क्रेयॉन्स, वैक्स क्रेयॉन्स का भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से मैं उसको शेडिंग दे रहा हूँ 2 कलर की। जरूरी नहीं है कि आपको येलो और ऑरेंज ही करना है, आप किसी भी कलर का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। इसी तरह से हम 8ों को अभी कलर करेंगे। हम इन पेटल्स को अभी सूखने देते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पर 8ों पेटल्स को कलर करेंगे, तब तक हम एक ग्रीन कलर के पेपर से, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप यूज कर सकते हो, उसमें हम लीव्स की शेप कट करेंगे। लीव्स के एक एंड में इस तरह से एक स्लिट बनाएंगे। ये देखिए, ये ऐसी स्लिट बनाएंगे और उस पर ऐसे फेविकॉल अप्लाई करके उसको इस तरह से ओवरलैप करके उसको चिपका देंगे ताकि वो हमें इस तरह का शेप मिले।
आइए बच्चों, अभी हम इफ लीफ को पीछे से ऐसा फेविकॉल लगाकर, इसमें ज्यादा भी फेविकॉल नहीं चाहिए नहीं तो जल्दी सूखता नहीं है, इस स्टेम को इस तरह से पेस्ट कर देंगे। आप जितनी चाहे लगा सकते हो, दो लगाइए, तीन लगाइए, चार लगाइए। पेटल को बैक साइड से इसके नीचे की साइड हम फेविकॉल अप्लाई करेंगे और उसको इस कोन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में पेस्ट करेंगे। इस तरह हमें चार पेटल्स चिपकाने के बाद में इसके बीच में भी पेटल्स लगानी है। तो इस तरह हमारा 8 पेटल्स का फ्लावर बनने जा रहा है। बस एक पेपर का पीस है, उसको मैं इस तरह से अभी क्रम्पल करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि इस पर इस तरह से हम क्रम्पल कर रहे हैं और उसमें बैक साइड से फेविकॉल लगाकर उसको हम जो फ्लावर बनाए हैं उस फ्लावर के सेंटर में लगाता हूं इस तरह से। आप चाहो तो मैंने एक फ्लावर दूसरे पेपर से बनाकर रखा है, आप उसको भी देख सकते हो कि किस तरह से एक कलर्ड शीट का मैं एक फ्लावर बनाया है और उसको भी आप इस तरह से दो या तीन फ्लावर का एक अच्छा सा बंच बनाकर किसी भी पॉट में उसको डेकोरेट कर सकते हो। बच्चों आज ये थी हमारी डे वन की एक्टिविटी। आई होप आपको ये फ्लावर अच्छा लगा होगा, आप भी जरूर इसे ट्राई कीजिए और इसकी फोटो मेरे फेसबुक पेज पर पोस्ट कीजिए। Thank you. Please like and share this.